हरिद्वार में एक हमारे स्वामी जी ने मुझे बताया, कहते मेरे दो चेले आपस में किसी बात पे लड़ पड़े, एक को थोड़ी बुद्धि कम है तो वो कुछ गड़बड़ गड़बड़ करे जा रहा था, तो दूसरे को गुस्सा आ गया, उसने खूब जोर से पीटा, पीटा का डंडे से मारा उसने कि तुम बात नहीं सुनते हो, गलत काम नहीं करना छोड़ते हो, तो पीट दिया। अब शाम को जिसकी पिटाई हुई थी वो पीटने वाले के पास जाके कहते हैं, स्वामी जी सेवा तो आपने अच्छी कर दी है, अब थोड़ी बाम भी लगा दो, दर्द आपने दिया है तो दवा भी तो आप ही दोगे, पीठ में बहुत दुख रहा है, मेरा हाथ भी नहीं जा रहा तो थोड़ी दवा भी लगा दो। कहते अब जिसने पीटा था वो बैठा हो उसकी पीठ पे बाम भी लगावे और साथ में रोवे भी कि तू कैसा है, तुझे मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा, कह रहे नहीं गलती करी तभी तो मारा आपने, जो गलती नहीं करते तो क्यों मारते, आप तो हमारे गुरु भाई हैं। तो उनके गुरु जी मुझे कह रहे मुझे तो लगता है कि ये तो सच्चे अर्थ में ब्रह्मज्ञानी हो गया है, पीटने वाले को भी कह रहा है भाई सेवा तो बड़ी कर दी तूने, अब थोड़ी बाम भी लगा दे। कहा तो ये स्थिति है कि हम अपने शत्रु अपने को पीड़ा देने वाले के प्रति भी करुणा रखें, और कहा सड़कों पे घरों में मैं देखती हूँ तो लोगों के अंदर गुस्सा गुस्सा गुस्सा, पार्किंग की स्पेस ना मिले तो गुस्सा, कत्ल हो जाते। सब्जी वाले से सब्जी लेने गए, उसने थोड़ा भाव कम नहीं किया तो थू थू मैं हाथ चल गए, जूते चल गए, उनके परिवार के आ गए, दंगे में बदल जाती हैं। ऐसे हो रखा है कि लोग लड़ने मरने को आतुर हैं, जैसे पता नहीं आत्महत्या ही करना चाह रहे हैं, या तो मार देंगे या तो मर जाएंगे। अरे भाई जी भी लो थोड़ा, जीना अच्छा है कि मरना, थोड़ी तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। देखिए जापान एक बहुत छोटा सा देश है, एरिया वाइज अगर हम देखें तो स्मॉल, वेरी स्मॉल कंट्री, और उस देश में गाड़ियां भी बहुत अधिक है। तो एक सज्जन जो अभी जापान होके आए वो मुझे कह रहे थे कि जापान में एक बड़ी अजब चीज देखी, बोले कार निकाल रहे थे, बड़े नियम के पक्के लोग हैं, हम भारतीयों की तरह मस्त नहीं है, मतलब हम तो गाड़ी चलाते में फोन में बात करते हैं, सिग्नल देते नहीं कहीं भी मुड़ जाते हैं, कोई दोस्त दिख गया तो 100 की स्पीड में चलती गाड़ी एकदम रोक देंगे, अरे भाई कैसे हो, पीछे ठक ठकाटक सब गाड़ियां लग गईं, ये क्या हुआ, ये क्या किया, अरे मेरा दोस्त था मैं बात ना करता, तो सिग्नल तो देते नहीं। लेन ड्राइविंग क्या होती है वो मालूम, वो कहते लेन, किसी से पूछा कि ये बड़े हाईवे पे जो पीली पट्टी दिखती बीच बीच में छोटी छोटी पट्टी किस लिए होती है, एक ने कहा जी सुंदर लगती है इसलिए होती है। अब उसे ये नहीं पता तीन पट्टियां तीन लाइनें बनी है, जिन्होंने तेज चलना है वो इधर में चले, जिन्होंने थोड़ा भारी ट्रक बस है वो इधर चले, जिन्होंने मध्य स्पीड में चलना है वो इसमें चले। हमारे तो कहते ये लाइन भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी, कभी इधर कभी इधर, तो यही नहीं पता चलता भाई साहब जाना कहाँ है। वो कहते सारा देश मेरा, सड़क मेरी, जहां जिया है वहां जाते हैं। जापान में यूरोप में ऐसा नहीं, सड़क से लेन में चलते। अब वहां क्या हुआ, गाड़ी लग गई गाड़ी थोड़ा पीछे आगे करने में, तो इधर से एक ड्राइवर निकला जापानी, उधर से अगला निकला, दोनों ने एक दूसरे को बाव किया, जैसे सर झुकाते हैं, वहाँ हाथ नहीं ऐसे सर झुकाते, पूरा वो उसको झुका रहा है, मशी मशी, वो भी सिर झुका रहा है मशी मशी। उसने अपना इंश्योरेंस का कार्ड उसको दिया, क्षमा मांगी, और दोनों मशी मशी गए। कहते मैं तो देख के हैरान हो गया, देखो गाड़ी लगी इंश्योरेंस है देना, इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी जेब से तो कुछ जाना नहीं है, और गाड़ी तो लग चुकी, डेंट जो पड़ना छोटा मोटा पड़ चुका वो चेंज तो हो नहीं सकता, तो गाली क्यों, घुसा क्यों, जूता लात क्यों, वाय एक्सीडेंट इसी को कहता जिसमें किसी एक की गलती होती है और अनजाने में होती है। तो चलो भाई एक दूसरे को
कार्ड दे दिया, भाई मेरी इंश्योरेंस कंपनी का ये नंबर है, आप कर लेना। अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते, वो अपने घर, वो अपने घर। कह रहे यही हमारे इंदौर में लगी होती, 2 घंटा प्रोग्राम चल जाता सड़क पे, और बैंक पोस्ट ऑफिस दुनिया भर के काम करने जो घरों से निकले ना, वो सारे काम छोड़ के ऐसे घेरा डाल के देख रहे होते, अरे क्या हुआ, ये क्यों मार रहा है, ये क्या लड़ाई हो गई, कह रहे इसने ये किया, इसने क्या, को लगा दो, वो अपनी भड़ास भी निकालने लग जाएगा। 2 और लगा, बोले एक मेरी तरफ से भी लगा, और 2 हो जाएंगे, देखो कौन जीतेगा, मोटा कि पतला, कौन जीतेगा। वो शर्तें लगा लेते हैं, 10 की लगी, बोले 50 की लगी, बोले नहीं 100 की लगी, शर्तें लग जाती है, ये मोटा जीतेगा, बोले नहीं पतला जीतेगा। अजीब बात है, इतना क्रूरता अंदर ये जो भर रही है हमारे, इसका कुछ उपचार करिए। काहे मरने मारने पर आप उतरे रहते हैं सारा समय, किस लिए किस लिए। एक माँ मुझे बता रही थी कि बच्चा मेरा बहुत गुस्से वाला है, स्कूल में चला गया बिना यूनिफॉर्म के, टीचर ने चमाट झड़ दी कि बिना यूनिफॉर्म के स्कूल क्यों नहीं पहनी यूनिफॉर्म। बोले वो माँ मेरी रात साबुन में रख दिया, सर्फ में भिगो के, उसने धोई नहीं, गीली थी, मैं कैसे पहनता। तो उन्हें थप्पड़ मारा, बोले जा घर वापस जाओ, यूनिफॉर्म पहन के आओ। वो गया घर, गीली यूनिफॉर्म ही पहन आया, साबुन वाबुन अभी सब लगा, धुली नहीं, सूखी नहीं। टीचर ने बोला ना, गुस्सा में आ गया, तो गीली यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल में आ गया। आया तो बोले ये क्या है, बोले मास्टर तू नहीं तो बोला था पहन के आ, पहन आया हूँ मैं। उसी यूनिफॉर्म में वो बैठ गया, जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ मास्टर को स्कूल की ग्राउंड में ही पीट दिया। फिर बोले तू मेरा मास्टर तब तक जब तक स्कूल चालू है। अब स्कूल की घंटी बज गई, आ बेटा अब तेरे को बताता हूँ। वो पिटाई कर दी मास्टर की, पहले मास्टर का थप्पड़ मारना गलत, उस पर बच्चे का इस तरह व्यवहार करना वो उससे ज़्यादा गलत। एक चीज़ याद रखिए, जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो भी गुरु समान होते हैं। अगर हम अपने शिक्षक का आदर नहीं करेंगे तो याद रखिए इस बात को, विद्या तुम्हारे मन में रहेगी नहीं, वो विद्या भी आपको छोड़ जाएगी। जो शिक्षक का अनादर करता है उसको शिक्षा का फल कभी नहीं मिलता है, याद रखना इस बात को। स्कूल का टीचर हो, कॉलेज का टीचर हो, टीचर्स को भी थोड़ा समझना चाहिए, हर चीज़ पैसा नहीं होती है, तो ट्यूशन ट्यूशन के बहाने स्टूडेंट्स का खून नहीं निचोड़ना चाहिए। ईमानदारी से स्कूल में पढ़ाइए ताकि ट्यूशन की ज़रूरत ना रह जाए। शिक्षकों का और विद्यार्थियों का अगर अच्छा आपस में संबंध बन जाए तो मैं समझती हूँ कि इधर माँ पिता घर में अच्छे संस्कार देंगे, इधर स्कूल का टीचर अच्छे संस्कार देगा, ऐसे ही हमारा समाज एक अच्छा समाज बन सकता है। नहीं तो आज हालत ये हो रही है कि हम असुर बन रहे हैं, असुरता बढ़ रही है, क्रोध बढ़ रहा है, बात बात पे छुरी चाकू चलते हैं, बात बात पे गुस्से के विस्फोट होते रहते हैं। हमको जीना ही भूल गया है, हम बस मरना ही चाहते हैं, लड़ना ही चाहते हैं। क्रोध से जलो या किसी को जलाओ, खुद पीड़ा सहो या किसी को पीड़ा दो, ये तो बुद्धिमानी की बात नहीं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि तानहम दुषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान। एक तो कृष्ण कहते हैं कि नर धमान सबसे नीच है, क्षिपाम्य जस्त्रम अशुभानाम सुरीश्व। ऐसे आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति को अजस्रम कृष्ण कहते हैं, मैं बार बार नीच योनियों में गिराता रहता हूँ, अर्थात उनका जन्म फिर श्रेष्ठ नहीं होता है, और नीचे और नीचे और नीचे। हम लोग परसों बातचीत कर रहे थे आपस में बैठे हुए, तो विषय यह आया कि जो धनाढ़ होता है अक्सर वह दानी नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही सब धनाढ़ ऐसे होते, लेकिन अक्सर इसलिए शब्द का उपयोग कर रही हूँ।
जो गरीब होता है, जिसके पास धन की कमी होती है, कभी कभी ये देखा उनके पास भावना बहुत होती। अब एक के पास भावना है, एक के पास धन है, तो चक्कर क्या है? गरीब गरीब ही रह जाता है, गरीब के जीवन में अच्छा मौका कैसे आता है? तो ऋषि पराशर ने एक ग्रंथ में यह बात कही थी कि जो गरीब है वो जब मन से अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता है, भावना से जीता है, दान दया, देखिए दान सिर्फ धन का ही नहीं होता, मैं आपको कह दूं, दान सिर्फ धन का ही नहीं होता। जब आप एकांत में बैठ करके नाम स्मरण करते हो तो यह समय का दान है, यह समय का दान है। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। जब शरीर से हम कुछ काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो यह भी दान होता। इसीलिए कहा तन मन धन का दान, सिर्फ धन का ही दान नहीं, सब कुछ होता। ये बात समझिए, आज के समय में इतनी महंगाई में खुद का ही घर नहीं चल पाता, उस पर दान कहाँ से करेगा? तो क्या हम गरीब आदमी दान नहीं कर सकता? अरे बिल्कुल कर सकता है। कैसे? तन की शक्ति से, मन की भावना से वो इस दान को कर सकता है। जब आप दान करते हैं, स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तो आपकी पुण्य राशि बढ़ती जाती है। अब पुण्य कर्म का फल है सुख, तो पुण्य कर्म के फल से आपको सुख मिलेगा। तो सुख का बाहरी कारण धन भी हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। पुण्य किए धनवान हुआ, पर अगर धनवान होते ही अभिमानी हो गया, अहंकारी हो गया, घमंडी हो गया, और तुम देखो पैसा जब कम होता है ना तो थोड़ा समय भी हो जाता है। अब दुकान है बंद कर दी 7 बजे, उसके बाद क्या करें? कुछ भी नहीं। हाँ तो कहते चलो ढोलक बजाओ, मंजीरा बजाओ, थोड़ा कीर्तन ही कर लेते। सेकंड ऑप्शन सिचुएशन ये है, आपके पास पैसा बहुत है, काम ही बहुत है, 4 फैक्ट्री चल रही, 10 दुकानें चल रही, 20 शोरूम चल रहे, हाँ ये काम वो काम, ये मीटिंग में, तो ऐसे ही रात के 10 बज गए, वापिस आई आए तो दोस्त खड़े हैं। अब दोस्त कैसे है? तो चल पीने चलते हैं। वो पीने बैठ गए, 2-3 रात के बज गए, सुबह 11-12 बजे हो गई, काम से थक के सो गया तो भी कुछ ना किया, पीने पिलाने के चक्कर में पड़ गया तो भी कुछ ना हुआ, पैसा है तो चलो शॉपिंग चले, हैं? शॉपिंग करो और सामान खरीदो और सामान खरीदो, रखने को अलमारी छोटी पड़ गई, अब घर बढ़ावाना हो और चक्कर पड़ गए, और फिर कोई ना कोई झमेला। तो देखो काम करते हैं तो होता ही है, कभी स्टाफ गुस्सा हो गया, कोई स्ट्राइक हो गई, कोई ये कोई वो, कोई लेना कोई देना, ऐसे झमेलों में फंसे, घर वाले भी रोते हैं, शक्ल दिखती है। नोएडा की कहानी सुना रही हूँ, बिल्कुल सच्ची। एक 5 साल का पोता अपनी दादी को डरा डरा भागा आया, चिपट गया, कहता दादी दादी रात को पता नहीं कौन बंदा अंदर आया, उसके पीछे पीछे पता नहीं कौन एक औरत आई, उस कमरे में घुस गए थे। कहती बेटा वो तुम्हारे मम्मी पापा थे। काम से छूटते हैं देर से, काम कर रहे गुड़गांव में, आते आते नोएडा 2 घंटे लग गए, बच्चे को खिला पिला के दादी ने सुला दिया। सुबह सुबह बच्चा जो है वो सो रहा है, मम्मी पापा फिर तैयार होकर के चले गए। बोले बेटा कोई बाहर का नहीं था, कोई तुम्हारी माँ थी, माँ को देखता ही संडे है छुट्टी के दिन, पर संडे भी वो कहते हम तो घूमने जा रहे, हम तो शॉपिंग जा रहे, हम तो ये जा रहे। बच्चे बेचारे कहते उसको टीवी लगा के दे दो, कार्टून देखो। एक बात कहूँ, आजकल बहुत लोग जानते हैं USB को, गाने फिल्में और बिजनेस कई फाइल्स भी कई चाहिए, उसके लिए USB यूज़ करते हैं। तो USB में आपने जो सामान भरा, वो फाइलें, वो गाना, वो भजन, वो गीत, है ना, बच्चे का मस्तिष्क एक USB की तरह है,
वो दिन भर जो देखेगा जो सुनेगा वो सब उसकी बुद्धि में स्टोर हो जाएगा। तो आप अपने बच्चे के मन में कार्टून स्टोर करा रहे हो और दिन में 4 से 6 घंटे वो टीवी देख रहा है, तो टीवी स्क्रीन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकलती हैं वो बच्चे के नाजुक दिमाग पर असर करते हैं और यही कारण है कि बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर आ जाता है। माने उनको इतनी उनके अंदर खलबली होती है, वो तड़पते रहते हैं, कुछ ना कुछ करना है तो तेज बोलते हैं, तेज चीखते हैं, भागते रहते, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। हमारे अभी भारत में तो नहीं लेकिन अमेरिका में ADD और ADHD को बीमारी कह दिया गया है और बच्चों को दवाइयाँ दी जा रही हैं, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जा रही है कि वो काबू में ही नहीं आ रहे। दोष कहाँ है, वो सारा दिन बच्चा टीवी देख रहा है, उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसकी शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सब जिस कार्टून को देखता है वैसी होने लग जाती है। माँ पिता पैसे कमाने में बिजी हैं, बच्चे के लिए समय ही नहीं, बच्चे को छोड़ दिया टीवी के सहारे, छोटे छोटे बच्चों को फोन दे देते हैं, इसमें गेम खेलते रहो तुम, वो गेम उस बच्चे के दिमाग के लिए अच्छी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस बच्चे के दिमाग को पंगू कर देगी, उसे मनोरोग हो सकते हैं, नींद ना आने की बीमारी बच्चों को लग सकती है अगर वो ज़्यादा समय टीवी देखते रहेंगे। तो टीवी देखना है, थोड़े ही समय देखें, एक दूरी तक देखें, लेकिन रात सोने से 3 घंटा पहले टीवी बिल्कुल ऑफ होना चाहिए। पर यहाँ मम्मी का सीरियल ख़त्म नहीं होता, मम्मी का सीरियल ख़त्म होगा तो डैडी का कुछ चल जाएगा और बच्चे वेट करते हैं कि अच्छा अब हमारा टाइम अब आया, हम अब देखते हैं। और आजकल तो और भी अच्छा काम कर दिया है, हर रूम कमरे में एक स्क्रीन होती, माँ बाप कब सोए कब जागे पता नहीं, बच्चा कब सोया जगा पता नहीं, रात रात भर बैठे टीवी देखते हैं। सुबह जा कर के स्कूल में क्या पढ़ाई कर सकेंगे कि झोंके मारेंगे वो वहाँ पर बैठ करके। ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है जो लोगों ने पा लिया। माँ बाप अपना समय अच्छे से बिता सके इसलिए बच्चों को वीडियो गेम या किसी भी प्रकार की स्क्रीन बच्चे के दिमाग के लिए अच्छी नहीं है। अब मैं कहूँ तो तुम कहोगे जी इनको क्या पता, तो मैं उसकी पुष्टि कर देती हूँ, मेडिकल स्टडी हुई है, रिसर्च पेपर्स हैं। द डेंजर्स ऑफ वॉचिंग स्क्रीन ऐसा डाल दीजिए, डेंजर्स ऑफ वॉचिंग टू मच इंटरनेट डाल दीजिए, आपके सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। खराब है वो, लेकिन धन कमाओ धन कमाओ धन कमाओ। बच्चे वो कह रहे उनको अच्छा खाना दे दिया, अच्छा कपड़ा दे दिया, घूमने को स्कूटर दे दिया। हाँ बात आती तो मैं ये भी कह दूँ, 18 साल से छोटे बच्चे को स्कूटर कार देना कोई समझदारी की बात नहीं। और यहाँ माता पिता तो बड़े खुश होते हैं, मेरा 8 साल का बच्चा जी कार चला लेता है। अब ये 8 साल का बच्चा ना बालिग है, अगर उसके हाथ से कुछ एक्सीडेंट हो गया खुद भी तकलीफ में आएगा, किसी और को तकलीफ में डाले, ये तो मान की बात नहीं। मान सम्मान इसमें मत ढूंढिए। तो कुछ गलतियां हैं जो माता पिता कर रहे हैं और ये संजोग वशात मैंने ये विषय इसीलिए लिया है कि हम लोग इन विषयों के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान अवश्य देवें, ये बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी वृत्ति से हम धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं, हम असुर हैं। कब? जब हमारे चित्त में 16वें अध्याय का यह श्लोक कहता है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रदिश्यंतो अभ्यसूयका। अहंकार, हट, घमंड, कामनाएं, क्रोध का आश्रय जो मनुष्य लेता है वह अपने अंदर रहने वाले मुझ अंतर्यामी से भी द्वेष कर रहा है और दूसरे के अंदर बैठे मुझ परमात्मा से ही द्वेष कर रहा है, किसी मनुष्य से नहीं। कृष्ण कह रहे तुम मुझसे द्वेष करते हो जब तुम अहंकार करते हो, जब तुम घमंड करते हो, जब तुम अपने बल का
एग्जीबिशन करते हो, ले अच्छी बात नहीं। ये चार का संश्रिता, संश्रिता माने आश्रय लेना, ये कहना हम बड़े ये होते हैं, हम बड़े वो होते, अरे हम छोड़ो, थोड़ा तुम कहना सीखो। सुंदर हो तो कहो प्रभु ने बनाया, बुद्धिमान हो तो कहो तूने बनाया, गुण है कोई तो कहो प्रभु की कृपा है, घर अच्छा है तो छाती में ठोके कहो हमने बनाया, हमने आर्किटेक्ट बुलाया, हमने इंटीरियर डेकोरेटर को समझाया, हमने इतना हम नहीं, तुम करो, तूने दिया प्रभु, तूने दिया प्रभु, ये तन तेरा प्रभु, ये मन तेरा प्रभु, ये धन तेरा, तेरा है मेरा कहाँ। मेरे एक संपर्क में बहुत धनाढ्य परिवार के एक सज्जन थे, स्वभाव के भी बड़े अच्छे, बहुत अच्छे थे, खूब सत्संग सुनना, खूब भजन गाना, ये उनके स्वभाव में था। सुबह पूजा किए बगैर भोजन नहीं खाना है, अच्छा अच्छा गुण था उनके अंदर। पर फिर उनको एक ऐसा डिजीज, रोग हो गया जिसमें शरीर के मसल्स पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है, तो पार्किंसन और अल्जाइमर का मिक्स हो गया। तो फिर तो वो सीधे बैठ भी ना सके, दो नौकरों ने खड़ा करें, दो नौकरों ने बैठाएं, चाय न पी सके, हाथ कांपता था जोर से। बड़ा इलाज किया, कुछ नहीं हो सका। तो मैं जब भी उनको देखती थी तो एक ही बात मन में आती थी कि काश दुनिया के लोग देख पाएं, अरबों रुपया होने के बावजूद कौन सा वो मस्तिष्क और मांसपेशी का संबंध है जो टूट गया है कि आज अपना ही शरीर अपने काबू में नहीं है। पत्नी बच्चे देख के रो सकते, पीड़ित हो सकते, दवाइयां भी देते, नर्स भी है, लेकिन वो रोग ठीक होने वाला रोग नहीं था, और उसी रोग में उनका शरीर चला भी गया। तो आपका शरीर स्वस्थ है, क्या ये कृपा नहीं है? क्या ये कृपा नहीं? बैठे बैठाए हम तो ऐसी ऐसी बातें सुनते हैरत होते। जब से आश्रम में आयुर्वेदिक चिकित्सा का क्रम शुरू हुआ, 4 वर्ष से पंचकर्म आयुर्वेदिक चिकित्सा, हमारे शिष्य जो हैं वो उसको बहुत अच्छे से चला रहे हैं, समय समय पर अच्छे वैद्यों को वहाँ बुलाते हैं, उपचार के लिए लोगों की सेवा दे सकते हैं। तो मैं बहुत सारे केसेस को देखती हूँ, जैसे एक बच्ची का ठीक ठाक स्वस्थ, कुछ नहीं है, कोई रोग नहीं है, बैठे बैठाए आँख की रोशनी चली गई। अरे क्या हुआ? जब MRI हुआ तो पता चला नेक्रोसिस ऑफ द आई हो गया, जो ऑप्टिक नर्व होती है उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन आई, और अब उसकी जो फायरिंग होती है ब्रेन से वो फायरिंग नहीं हो रही, देखना ही बंद हो गया। अब उपचार चला और ईश्वर कृपा से उसका प्रारब्ध अच्छा था तो वापिस आ गई आँख की रोशनी उसकी, पर नहीं आती तो डॉक्टर कहते हम कुछ नहीं कर सकते, वो लाचार हो जाते। ये ईश्वर का बनाया हुआ शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है, कितनी डिफिकल्टी, कितनी ज्ञान विज्ञान हार गया है इस शरीर को समझते समझते, समझ नहीं पा रहा है। आज भी ब्रेन क्यों ऐसे रोगों में जकड़ जाता है समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ दवाइयाँ सिर्फ मरीज को सुख देने के लिए कि ज़्यादा कष्ट ना अनुभव करे, लेकिन पूर्ण रूपेण उसका उपचार कर पाने में वह असमर्थ है। तो शरीर है स्वस्थ है तो क्या ये ईश्वर को धन्यवाद देने का अवसर नहीं बन जाता? हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते हैं, जिस जिह्वा से परमेश्वर का नाम गाने की सामर्थ्य हमारे पास है, उस जिह्वा से हम निंदा चुगली करते हैं, द्वेष करते हैं, और दूसरों के लिए बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, कैसी अच्छी बात हो सकती है? अहंकार न कर, जो है मेरे मालिक का दिया है, जो बल है वो उसका दिया है, और
दूसरे को देख के अपने से ऊंचा या नीचा ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए, सब बराबर हैं पर सब विलक्षण है। बराबरी इतनी है कि हम सब विलक्षण हैं। जैसे तुम्हारे अपने हाथ का अंगुली देखो ना, ये छोटी ये बड़ी और बड़ी है, और अंगूठा बेचारा साइड में ठीकना सा कोने में पड़ा। अब अंगूठा कहे अरे मैं इतना छोटा क्यों, मैं बड़ा बन जाऊं, और ये छोटी कनिष्ठिका कहे मैं छोटी क्यों, मैं बड़ी हो जाऊं। सोचो तुम्हारी ये लंबी हो जाए, इधर से ये लंबा हो जाए, क्या लगोगे तुम? तो एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, वो भी अच्छा ही है, उसमें क्या दिक्कत नहीं। तो बुद्धि में, बल में, शरीर में कुछ कुछ भिन्नताएं हम सबकी है। एक चीज मैं आपको आज कहना चाहती हूँ, सुबह शाम जब भी कभी तुम शीशे के सामने जाओ और ये चौखटा ये शक्ल अपनी देखो, तो उस समय पर थोड़ा सा उस परमात्मा कारीगर को याद कर लेना। क्या आंखें बनाई हैं, क्या नाक बनाया है, क्या होठ बनाए मेरे दाता ने, ये कैसी सुंदर शक्ल दी है। और सच जानिए, इस मानव शरीर से सच्चा मंदिर और कोई नहीं हो सकता। बाकी मंदिर हमने बनाए हैं इंसानों ने, ये शरीर मेरे प्रभु ने बनाया है। तो ये शक्ल देखो तो दाता को याद किया करो और उसको धन्यवाद दिया करो। अब उसमें तुम कहते हो नहीं हम काले हैं ना इसलिए हम सुंदर नहीं, ए बेवकूफ, हमारा कन्हैया भी काला है। तो जब काली शक्ल देखो ना कि चमड़ी थोड़ी काली है या सांवरी है। अच्छा, वृंदावन में कृष्ण को सांवरा कहते हैं पर द्वारकाधीश एक काला, एकदम काला। तो चमड़ी काली हो तो कहो हम द्वारकाधीश वाले हैं, सांवरे सांवरे हो तो बोलो हम वृंदावन वाले हैं, गोरे गोरे हो तो कहो राम जी वाले हैं। एक ने कहा मोटे हैं तो क्या हुआ, अरे खाते पीते हैं कोई बात नहीं। इतने मोटे मत हो जाओ कि उठना बैठना मुश्किल हो जाए। कभी कभी थोड़ा इस चीज पर ध्यान दीजिए कि ये शरीर प्रभु का दिया हुआ स्वरूप है, तो उसके ये हाथ उसके हैं, मेरे नहीं उसके हैं।